मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र जेसी नगर के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को वितरित किए जाने वाले मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितताओं की खबर, जिसमें समूह द्वारा बच्चों को हाथों पर खाना परोसा जा रहा है और जो खाना परोसा जा रहा है उसमें बिना सब्जी के केवल सूखी रोटियां बच्चों के हाथों में दी जा रही थी। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था, जिसका असर यह हुआ जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य सहायता समूह का अनुबंध निरस्त कर दिया। जमीन पर बच्चों के साथ बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि जैसी नगर जनपद पंचायत की CEO चेतना पाटिल हैं, जो जैसी नगर की प्राथमिक माध्यमिक स्कूल टोड़ा तरफदार में मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने पहुंची हैं। कल इसी स्कूल की भयावह तस्वीर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर चलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी साहिबा ने अचानक स्कूल में बट रहे मध्याह्न भोजन का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सहायता समूह की हिमाकत तो देखिए कि CEO के सामने भी बच्चों को उसी तरह से खाना परोसा गया जैसा कि कल दिया गया था, जिसको लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल ही माँ संतोषी और माँ सरस्वती स्वास्थ्य सहायता समूह का अनुबंध निरस्त कर दिया। खुला खाना परोस रही थी, उसे मैंने रेगुलर जैसे वो परोसती है उसी हिसाब से परोसने के लिए बोला। उसमें अनियमितता तो थी, बच्चों को एक तो अपना जो है थाली या फिर बर्तन घर से लाना पड़ रहा है, वो थाली में नहीं दे रही थी, तो दो स्वास्थ्य सहायता समूह थे वहाँ पे, उनको हटा दिया गया है और आज से वहाँ पे पंचायत खाता सर्व करेगी। अनुबंध निरस्त करने से क्या पूरी कार्रवाई हो जाती है बल्कि कई सवाल और पैदा कर जाती है। प्रशासन अभी तक क्यों कुंभकर्णी नदी से सोता रहा? जिम्मेदारों पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बच्चों की जान के साथ अभी क्यों खिलवाड़ हो रही है? अभियान चलाकर उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? यह सवाल है और ये सवाल कई सालों से बरसतू जारी है। संतोष नामदेव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जैसी नगर। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।